फोर्थ लॉर्ड इन द 11th हाउस, यानी कि हैप्पीनेस और डिजायर या डिजायर फुलफिलमेंट में कॉम्बिनेशन आ गया, लेकिन ये एक से अपने से अष्टम हो गया और चंद्र जो है वो शनि के घर में चला गया. अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, है ना. सो इन केस द फोर्थ लॉर्ड हैज गॉन इन द 11th हाउस, द नेटिव विल बी ऑब्सेस्ड विद फियर ऑफ सीक्रेट डिसीजेस. चंद्रमा अपने से अष्टम चला गया मरण कारक में, राइट. ही विल बी वेरी लिबरल, वर्चुअस, चैरिटेबल एंड हेल्पफुल टू द अदर्स. क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो दान, मतलब लाभ, लाभ और हैप्पीनेस का कॉम्बिनेशन बन गया, तो जो सुख है उसको वो त्याग करने की कैपेसिटी आ गई. चैरिटी में क्या करते हैं आप, अपना देने का क्षमता आ जाती है ना आपको. इट इज अ बैड प्लेसमेंट फॉर प्रॉपर्टी. व्हाट इज हैपनिंग इफ इट इज एफ्लिक्टेड, व्हाट इज हैपनिंग, आपका प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है, आपके भाई के पास जा रही है बड़े, राइट. आपका प्रॉपर्टी का लॉर्ड आपसे अष्टम हो गया अपने आप से, तो इसके दो इंटरप्रिटेशन हो गए. हमारा प्रॉपर्टी का लॉर्ड अगर एफ्लिक्टेड होकर जा रहा है, दैट मींस आइदर इट इज गोइंग टू माय फ्रेंड और टू माय एल्डर ब्रदर. अगर एफ्लिक्टेड नहीं है, दैट मींस माय प्रॉपर्टी इज गोइंग इनटू माय गेन. दैट मींस आई कैन हैव अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम माय प्रॉपर्टीज, आई कैन अर्न थ्रू कार्स. मेरा, मैं ऑटोमोबाइल डीलर हो सकता हूँ, कोई बहुत बड़ा मारुति का शोरूम खोल सकता हूँ. So, यहां पर एफ्लिक्शन और उसको देखना है, राइट. अगर यहां पर ये मैलिफिक ग्रह है, चौथे का लॉर्ड 11वें स्थान में आपका घर छुड़वाता है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन फॉर, अगर बाकी कॉम्बिनेशन परमिट करते हैं तो दिस वुड बी अ कॉम्बिनेशन फॉर फॉरेन प्लेसमेंट. क्यों? क्योंकि आपके घर का लॉर्ड ही आपने से अष्टम बैठ गया, राइट. सो जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ेगा या विदेश में रहेगा या ये सब देखेगा, तो उसका 11th हाउस को भी हम देखते हैं कि उसके 11th हाउस पे कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस तो नहीं है. 11th हाउस पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है अगर, और 9th हाउस पे मैलिफिक इन्फ्लुएंस है, तो ये दोनों चौथे से छठे आठवें, राइट. तो ये इजिली उसको उसका घर छोड़ा देते हैं. दूसरी चीज ये है कि सुख का त्याग करना पड़ेगा अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस हुआ तो. चौथे से अष्टम है ना, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, मातृभूमि को छोड़ना पड़ेगा. ये तो बात हुई, राइट. क्योंकि 11वां स्थान इज अ हाउस ऑफ इच्छा पूर्ति, बेनिफिक है, दैट मींस माय प्रॉपर्टीज आर गिविंग मी अ लॉट ऑफ गेन्स, आई एम हैविंग लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स, माय लॉट ऑफ हैप्पीनेस, आई एम सीकिंग हैप्पीनेस फ्रॉम माय फ्रेंड्स, राइट. I will have a lot of good friends. चौथे का लॉर्ड 11वें स्थान में. सो इट इज एन एवरेज प्लेसमेंट डिपेंडिंग अपॉन हमारा वो ग्रह बेनिफिक है मैलिफिक है क्या है, उसके हिसाब से एवरेज प्लेसमेंट है. अगर बेनिफिक है तो अच्छा प्लेसमेंट है, वेरी गुड इनटू सक्सेस, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ सक्सेस इनटू बिजनेस.